आपके बैंक खाते से कब कब पैसा कट जाता है और आपको पता भी नहीं लगता होगा। आजकल बैंकों ने अपने कस्टमर से उनके अकाउंट से पैसा काटने के नए नए बहाने बना लिए हैं। पैसा खाते में रखो तो कटवाओ, पैसा खाते में ना रखो तो कटवाओ। नंबर वन, अगर आप अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है। नंबर टू, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में महीने में 5 से ज्यादा बार पैसे डिपॉजिट करते हैं यानी जमा करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से 200, 500, 1000 रुपए या 1500 रुपए तक काट सकता है। अगर आप अपने बैंक खाते में बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैलेंस माइनस में आ जाएगा, मतलब जब भी आप पैसा डालेंगे तो जो बैलेंस माइनस में होगा उतना बैलेंस आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। नंबर थ्री, जब बैंक आपके खाते का नया एटीएम जारी करता है तो बैंक आपके नए एटीएम कार्ड का चार्ज काट लेता है। ये चार्ज 200 से 250 रुपए तक का हो सकता है और इस एटीएम कार्ड का चार्ज हर साल मार्च के महीने में आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। नंबर फोर, अगर आप अपने एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन से 3 से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं यानी विड्रॉल करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है। नंबर फाइव, इसके अलावा नए कानून के मुताबिक अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो आपका कोई भी किसी तरह का पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू।